नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। प्रचंड गर्मी ने किया बेहाल, उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की चपेट में। वहीं तापमान 50 डिग्री तक पहुंचा। 10 सालों में दूसरी बार चूरू क्षेत्र का 50 डिग्री तक तापमान पहुंच गया। बताया जा रहा है कि राजस्थान के सभी इलाकों में जोरदार गर्मी पड़ रही है। लू के थपेड़ों ने लोगों को घरों में बंद कर दिया। मंगलवार को चूरू का पारा 50 डिग्री तक सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया, जो कि सबसे अधिक था। पिछले 10 वर्षों में मई माह में यह दूसरा अधिकतम तापमान है। इससे पहले 19 मई 2016 का चूरू का तापमान 50.2 डिग्री तक पहुंच गया था। वहीं दिल्ली में भी मई महीने में 18 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। यहां पर अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। हालांकि रात को काफ़ी आंधी आई, बादल भी छाए हुए थे, लेकिन उससे खास बदलाव नहीं आया। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते के आखिर में हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ यूपी और हरियाणा में भी लू की चपेट में बहुत लोग आए हैं। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भयंकर लू चल रही है। वहीं प्रयागराज में भी 47 डिग्री तक तापमान पहुंचा। गर्मी अधिक होने की वजह से लोगों ने घड़े और मिट्टी के बर्तन खरीदने शुरू किए हैं। वहीं बाज़ार में तरबूज और खरबूजे के रेट भी बढ़ गए हैं। नींबू की मांग सबसे अधिक है, हालांकि बाज़ार में नींबू बहुत कम आ रहा है। गर्मी के कारण तथा लॉकडाउन के कारण खाद्य सामग्रियों पर भी असर आया। लोग झुलसाने वाली गर्मी के कारण ज़्यादा से ज़्यादा नींबू का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में कई विशेषज्ञों का मानना है कि खाली पेट घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। चेहरा या सिर पर कपड़े से ढककर बाहर निकलें। जितना अधिक हो सके ग्लूकोज और नींबू का पानी का इस्तेमाल करें। खाने में ताज़ा फल और सलाद का इस्तेमाल करें। आंखों मुख को तेज़ धूप और गर्मी की गर्म हवाओं से बचाने के लिए चश्मा पहनकर ही बाहर निकलें। गर्मी का सीधा असर हमारे सीधा सिर पे होता है, इसलिए अनावश्यक गर्मी बाहर नहीं निकलें और कपड़े से ढांप कर बाहर आएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नाक से खून आने की संभावना रहेगी, इससे चक्कर भी आ सकता है। आप देख रहे हैं पल पल के विशेष रिपोर्ट।